दोस्तों, अगर आप लोगों को टाटा 2518 BS324 का टाइपिट सेट करना आता है तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप 24 वाल इंजन का टाइपिट सेट करके बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल मैकेनिक ज्ञान को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं इंजन के पास और हमने पहले से ही टाइपिट कवर खोल लिया था और उसके बाद में हमने इंजन का टाइमिंग भी सेट करके रखा हुआ है। फिर भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से टाइपिट सेट करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें आपको कि टाटा 2518 BS324 इंजन का 2 राउंड में टाइपिट सेट करना है। तो सबसे फर्स्ट राउंड में टाइपिट सेट करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमें 4 नंबर वाल को पूरा अंदर जाने देना है, मतलब पूरा वाल खुलना चाहिए, ठीक है। तो 4 नंबर वाल दबने के बाद में हमें आगे से टाइपिट सेटिंग करना स्टार्ट करना है, जिसमें कि चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको टाइपिट सेट करके बताते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे, ये है 4 नंबर वाल और ये 4 नंबर वाल पूरा दब चुका है, मतलब पूरा का पूरा वाल खुला हुआ है। अब हम फ्रंट साइड से टाइपिट सेट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम 1 नंबर रॉकर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाटा 2518 BS324 का टाइपिट सेटिंग करने के लिए हमें 3 टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि है पहला टाइपिट गेज और दूसरा है 5 mm का एलेंकी स्पेनर और तीसरा है 14 नंबर का रिंग स्पेनर, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने पहले फर्स्ट रॉकर का टाइपिट सेट करना स्टार्ट कर दिया है। इस इंजन का पहला रॉकर है इनलेट और सेकंड है बड़ा जो रॉकर है वो है एग्जस्ट। इसी प्रकार सभी सिलेंडरों में एक एग्जस्ट और एक इनलेट होता है और एक एग्जस्ट पीछे और इनलेट आगे होता है, ठीक है। तो दोस्तों, टाइपिट सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें 14 नंबर का लॉक नट होता है, उस लॉक नट को लूज करना होता है और उसके बाद में हमें 5 नंबर मतलब 5 mm की एलंकी से उसे घुमाना होता है और उसके बाद में टाइपिट गेज लगाकर उसमें स्क्रू को कम ज़्यादा करना होता है। टाइपिट गेज के हिसाब से हमें टाइपिट को सेट करना होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने 1 नंबर रॉकर का टाइपिट सेट किया है, अब हम कर रहे हैं 2 नंबर का। आपको नंबर नोट करके रखना है कि फर्स्ट राउंड में हमें कितने सारे रॉकर का टाइपिट सेट करना है और सेकंड राउंड में जो बचे हुए रॉकर हैं उनका टाइपिट सेट करना है। तो सबसे पहले तो हमने पहला कर दिया है और ये है दूसरा, उसके बाद में हम करेंगे 3 नंबर को और 3 नंबर को भी उसी प्रकार से करेंगे जैसा हमने फर्स्ट नंबर सिलेंडर के फर्स्ट नंबर रॉकर को सेट किया था। दोस्तों, टाइपिट सेटिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि टाइपिट गेज किस जगह पर लगता है, ठीक है। देख सकते हैं एलिफेंट फुट है, एलिफेंट फुट के ऊपर लगता है और रॉकर के बीच में, ठीक है। इसी प्रकार से आपको टाइपिट सेट करना है। टाइपिट करना है आपको इनलेट वाल को 0.25 mm और एग्जस्ट वाल को करना है आपको 0.50 mm पे, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर वाल का टाइपिट सेट कर लिया है। उसके बाद हम आ चुके हैं 6 नंबर वाल पे। अब इसी प्रकार से 6 रॉकर का टाइपिट सेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें 7 नंबर का करना है और 7 नंबर का करने के बाद में हमें करना है 10 नंबर का। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड में 1, 2, 3, 6, 7 और 10 ये 6 रॉकर का टाइपिट हमें सेट करना है और सेकेंड राउंड में जो भी बचता है जैसे कि 12, 11, 9, 8, 5 और 4 हम सेकेंड राउंड में इसका टाइपिट सेट करेंगे। तो सेकेंड राउंड की टाइपिट सेटिंग करने के लिए अभी हम फिलहाल आगे बताएंगे आपको कि कौन से टाइमिंग पे करना है। चलिए हम सबसे पहले 10 नंबर का टाइपिट सेट कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप नए इंजन का काम करते हो या नया इंजन बनाते हो उस समय आप टाटा कॉमिस BS324 वाल का जब भी टाइपिट सेट करते हो आप, तो उस समय आप
इनलेट वाल्व को 0.30 mm पे कर सकते हैं और एग्जस्ट वाल को 0.55 mm पे कर सकते हैं। 0.5 mm आप दोनों को एक्स्ट्रा रख सकते हैं और जैसे ही 50 या 100 घंटे चल जाए उसके बाद में आप दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। हमने 6 नंबर रॉकर का टाइपिट को सेट किया है, उसके बाद में डायरेक्ट हम 10 नंबर पे पहुँच चुके हैं। हमने 7 नंबर को पहले ही चेक कर लिया था, उसका प्ले ठीक था, इस वजह से हमने उसका टाइपिट सेट नहीं किया है। फिर भी आप लोगों को बता देते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका एकदम प्ले ठीक है, मतलब इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने 7 नंबर रॉकर का टाइपिट को सेट नहीं किया, वह एकदम ठीक था। ठीक, तो दोस्तों हमने फर्स्ट राउंड का 6 रॉकर का टाइपिट को सेट कर दिया है। अब हमें इंजन को घुमाकर दूसरे राउंड का टाइपिट सेट करना है, जो कि 6 रॉकर ऑलरेडी अभी बचे हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इंजन को घुमाकर 10 नंबर वाल्व को पूरी दबने देना है और देख सकते हैं स्क्रीन पे 10 नंबर वाल्व धीरे धीरे दब रहा है और पूरी दब जाने के बाद में वाल्व खुल जाता है। ठीक है, वाल्व पूरा खुल गया, उसके बाद में आप टाइपिट सेटिंग करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों टाइपिट हमें टोटल 6 रॉकर अभी बचे हुए हैं जो कि हम मिलाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सामने से ही करते हैं, जैसे कि हमारा 4 नंबर बचा हुआ था, तो चलिए हम 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं और 4 नंबर रॉकर का टाइपिट को सेट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है एग्जस्ट और इनलेट वाल क्या काम करते हैं? नहीं पता, तो चलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। इनलेट वाल, इनलेट का मतलब होता है अंदर की ओर हवा खींचना। ठीक है, जैसे कि एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर से एयर क्लीन होता है, उसके बाद में इनलेट के पाइपलाइन के थ्रू इंटरकूलर होके इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू जैसे ही इनलेट वाल्व ओपन होता है, उस समय एयर जो है पिस्टन के पोर्शन पे आ जाता है और आने के बाद में इनलेट वाल्व बंद हो जाता है और जैसे ही वो पिस्टन से एयर को ऊपर लेके आता है, उस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और उस समय में नोजल फायर करता है, उस समय एग्जस्ट वाल ओपन होता है, वो गैस जो है एग्जस्ट वाल के थ्रू वह एग्जस्ट मैनिफोल्ड से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं हमने 4 नंबर रॉकर का टाइपिट सेट कर दिया था और उसी प्रकार से हम 5 नंबर रॉकर का भी टाइपिट हम सेट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं 5 नंबर का भी टाइपिट सेट हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं 8 नंबर रॉकर पे और 8 नंबर का सबसे पहले हम टाइपिट सेट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को स्पेयर पार्ट्स के नाम नहीं मालूम है या पार्ट्स मंगाने में दिक्कत होती है, तो दोस्तों आप मैकेनिक ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आप उससे पार्ट कैटलॉग निकाल सकते हैं और नाम जान सकते हैं सारे पार्टों का। दोस्तों हमारे मैकेनिक ज्ञान चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हमने अपलोड किया है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हैवी व्हीकल एंड मशीनरियों की देख सकते हैं। दोस्तों हमने 8 नंबर रॉकर का भी टाइपिट को सेट कर दिया है, जो कि टोटल 3 टाइपिट सेट हो चुके हैं। सबसे पहला है 4 नंबर और दूसरा है 5 नंबर और तीसरा है 8 नंबर और चौथा अभी हम कर रहे हैं 9 नंबर को। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे 11 नंबर और 12 नंबर रॉकर का टाइपिट सेट करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप टाटा 2518 BS3 24 वाल इंजन का टाइपिट सेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से टाइपिट को सेट किया है, आप भी उसी प्रकार से टाइपिट सेट करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं टाटा 2518 BS3 24 वाल इंजन का इंजन सर्विस कैसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताएंगे आपको इंजन सर्विस करने का। उस वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।